नया और पुराना कोई मकसद नहीं रखता है। बेसिक क्या है, फिल्म तो डायरेक्टर्स ने दिया है और उसमें थोड़ा तो डायरेक्टर अनुभवी हो तो ठीक है। मेरे भी 30-40 साल हो गए, 40-42 साल चल रहा है तो थोड़ा अनुभव तो हो ही गया है। वैसे तो ये लाइन सीखते रहने का है, अभी भी सीख रहा हूँ। तो इस तरह से मैं नए लोगों को लेकर ही बनाता रहा हूँ। मोस्टली मेरी 25-26 फिल्मों में एक आदमी ही एक दो स्टार टाइप के लोग रहे होंगे, बाकी सब नयों को लेकर ही बनाया हूँ। तो मैं नहीं समझता हूँ कि रिस्क है, बल्कि इसमें कम रिस्क है, क्योंकि नयों को लेकर कीजिए तो एक तो बजट कंट्रोल में होता है, दूसरा क्या होता है, आर्टिस्ट बड़े डिवोटेड होते हैं, वो उनके पास समय रहता है, वो कहानी स्क्रिप्ट को समझ के अकॉर्डिंगली वो ये करते हैं। बाकी एक्सपीरियंस तो मेकिंग में होनी चाहिए, तो उसको किया जाता है और वो अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। तो इसके ये इस फिल्म के लिए कहाँ का लोकेशन गया आपको पूरा डे में, और कितने दिन शूटिंग और बाकी? इसका अभी मुंबई के क्या है, आजकल भोजपुरी फिल्मों में भी ग्लॉसीनेस आ गया है, क्योंकि वो जमाना गया कि जूनियर कद्दू के बीच में लड़के लड़की जा रहे हैं, लोग पसंद करते थे धोती कुर्ता में घूमते थे गमछा कंधे पर रखते, तो भोजपुरी जैसे विकास कर रहा है वैसे हर इंडस्ट्री विकसित हो रही है। इवन बंगला में देखिए आजकल अंग्रेजी में डायलॉग चलते हैं, तो इस तरह से भोजपुरी भी काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है। तो ग्लॉसीनेस के कारण हमने बॉम्बे के सारे लोकेशंस जो रिच लोकेशंस हैं मड आइलैंड में, जैसे शुभम बंगलो है या आपके भुल्लर गार्डन करके नया बंगला अभी क्रिएट किया हमने, हालांकि उसका वर्मा कॉटेज पहले नाम था, ऐसी जगहों को चुन चुन के ही हमें इसको ये कर रहे हैं। इवन कोर्ट भी है, जैसे तो आप देख ही रहे हैं कि एस एम का कोर्ट काफ़ी बड़ा कोर्ट है, वरना और भी कई जगह है लेकिन छोटे छोटे कोर्ट बने हुए हैं, तो टीवी के लिए तो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन फिल्म के लिए ह्यूज थोड़ा जगह होनी चाहिए जिसमें ट्रॉली वॉली घूम सके। तो इस तरह से हम रेफर करके ऐसे लोकेशन को लेते हैं, और यही कारण है कि फिल्म थोड़ा लार्ज स्केल में दिखता है। तो इसमें गाना कितना होगा फिल्म में टोटल? गाने 8 हैं, बहुत अच्छे गाने हैं, क्योंकि गीतकार हमारे विनय बिहारी जी हैं, जो अभी अपने गीतों के बल पे ही धीरे धीरे इतने पॉपुलर हुए कि वो विधायक भी रहे, मिनिस्टर भी रहे बिहार में, और उन्हीं के संगीत भी हैं, अरेंजर इसके ये हैं अपना सुशील पांडे। तो इस तरह से म्यूजिक बहुत ही अच्छा बन पाया है, और वो रेगुलर भोजपुरी के जो म्यूजिक होते हैं उससे थोड़ा सा हट के थोड़ा सा उसका बेटर फॉर्म में इसको ये किया गया। थैंक प्रोड्यूसर का क्या कहेंगे प्रोड्यूसर के बारे में? प्रोड्यूसर इस तरह का प्रगति धीरज सिन्हा जी हैं, और मैडम हैं वो बहुत ही पहले भी लाइफ में वो स्टेज वगैरह से जुड़ी रही हैं, वैसे सी टीचर और टीचिंग में काफ़ी कुछ उनका अपना एक अहमियत है, उनकी एक प्रतिष्ठा है, वो बहुत दिनों से चाहती थी कि फिल्म में कोई अच्छी हट के भोजपुरी फिल्म बनाए। तो हमारा अप्रोच हुआ, हम लोगों की मुलाकात हुई, बात हुई और हमने कहानी सुनाई, उन्हें बहुत पसंद आया, फिर वो काफ़ी लग के बल्कि इसके कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग वगैरह एक एक चीज़ों पे वो काफ़ी ध्यान दे रही हैं, उनके मिस्टर हैं वो भी काफ़ी उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, कहीं से हाथ नहीं रोक रहे हैं, और फिल्म बहुत अच्छी बन पा रही है। टाइम आप क्या कहेंगे? मैडम रोल आप क्या कहेंगी इस फिल्म के बारे में, आपका क्या क्या रोल किस तरह का किरदार रहा? ये फिल्म तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जब कहानी अच्छी होती तो फिल्म जरूर अच्छी है। मेरा तो कहना है कि ये फिल्म जुबली हो, इसी लायक की ये कहानी है, और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म इसके पहले कभी बनी नहीं, ऐसी फिल्म है, बहुत अच्छी है, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे, न्यू कैरेक्टर है सर ने विभूषण जी ने इनसे बहुत अच्छा काम करवा दिया, प्यार से समझा के सीन कैसा करना चाहिए। मेरी तो लैंग्वेज भोजपुरी नहीं है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ, ये सारा श्रेय विभूषण जी को जाता है, उन्होंने मुझसे बुला लिया,
संजय पंडित अरे थैंक यू मैडम। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी हमको अच्छा मिला है तो अच्छा ही मिला है। पहले जैसे फिल्म बंद उससे एक हट के अच्छी मतलब हम काफ़ी फिल्म में काम किया हमने तो एक एक हट के और बेहतरीन चीज़ें बेहतरीन फर्स्ट क्लास चीज़ें जो भी एक्शन है और काम करना जो भी है इनका अंदाज सब हट के है। स्क्रीन पर दिख रहे घंटी को दबाओ और बिंदास भोजपुरिया की बिंदास खबरें पाओ।